अंतःकरण में जान दो, मुझे आशा विश्वास का अविरल अभय अनुदान दो। मेरी रोम रोम में प्यास है, तेरी शक्ति का एहसास है, जो वाणी को दे स्वर मधुर, वह स्वर तुम्हारे पास है, मेरे स्वर को भी पहचान दो। मुझे गीत का विज्ञान दो, वरदानी मुझे आशा विश्वास का। बहुत बहुत विश्वास है कि माँ शारदे का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो चुका है। तो इसी के साथ मैं अब जिस शख्सियत को बुलाना चाहती हूँ उनके बारे में मैं क्या कहूँ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने एक बहुत ही कम समय में 111 रचनाकारों की यात्रा संस्मरण को एक गुलदस्ते के रूप में, एक पुस्तक के रूप में पिरोया। मैम एक बार इधर। पुस्तक को संपादित करना एक कठिन कार्य है, ये मैंने अभी अभी आगे भी इसी तरह से पुस्तकों का संपादन किया। मैं कहूँ प्रकाशमान करने में जिस प्रकार से इनकी भूमिका रही है, आज से नहीं लगभग 2 दशकों से अधिक समय से रही है, तो उसका आप सभी की गरिमामय उपस्थिति का हार्दिक अभिनंदन और हृदय तल की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं। एक और बहुत बड़ी चुनौती इस यात्रा संस्मरण के यात्रा पथ से गुजरते हुए मेरे सामने आई, वो ये था कि कुछ लोगों का तो सिर्फ 2 या 2.5 पृष्ठ का यात्रा वृत्तांत था और कुछ लोगों का 12 से 15 पेज तक का यात्रा वृत्तांत था। वो तो लग रहा था एक पुस्तक ही लिख रहे हैं। तो उन सबको समेट कर, और जबकि हमने शुरू में ही पृष्ठ सीमा बता दी थी कि 3 पृष्ठों तक ही सीमित रहे, 3 या 3.5 पृष्ठ तक, तो ऐसे 12 पृष्ठों के संस्मरणों को आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उनको 3 पृष्ठों तक सीमित करना, यह भी मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं चित्रा जी को भी सम्मानित करना चाहूँगी। मैं अनुरोध करूंगी उनको, आप भी आ जाओ, आप भी साथ में आओ। का वृतांत का अलग सफर होगा, इतिहास और दस सौंदर्य का अनूठा संसार अंडमान। इन्होंने अंडमान के बारे में अपना यात्रा वृतांत लिखा, जहां शायद हम में से कुछ ही लोग गए होंगे और कुछ नहीं भी गए होंगे। तो यात्रा वृतांत पढ़ करके हमें ये महसूस, इलाहाबाद का एक मोहल्ला है दारागंज, मीनाक्षी जी का ही हूँ यानी जान, वहां पर एक मकान के प्रथम तल पर चौबारे निराला जी रहते, पंडित रामविलास शर्मा उनके साथी भी थे और कभी कभार आते जाते थे। दोनों शीर्ष कोटि के साहित्यकार रहे आप जो। तो एक बार
निराला जी से मिलने के लिए रामविलास जी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और ऊपर से विचित्र प्रकार की आवाजें आ रही। रामविलास जी तेजी से चढ़े तो निराला जी का विकराल रूप देखा, लाल लाल आंखें, खुले हुए बाल, हाथों में जूता और नीचे तुलसीदास जी का चित्र। दे दनादन ले सचो। रामविलास जी हतप्रभ हो गए, हाथ पकड़ा, बोले निराला जी क्या कर रहे हैं? बोले इस बुद्धि ने मुझे बहुत तंग किया। तुम जैसे बात कीजिए, बात में बात करेंगे। चुप चुप रहने से जीवन में उलझन कभी नहीं सुलझेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे डॉक्टर मुकेश गंभीर जी, जो कि अपने जमाने में शायद नवीन निश्चय लगते थे, अभी भी लगते हैं, ये बस फैक्ट है। बहुत सही बात कही है, मैंने हंसी है, मत हंसने की बात नहीं है। और उम्दा शायर होने के साथ साथ उम्दा शायर है, और शायर भी कौन से वाले, रुबाइयां कहते हैं प्रेम की, अधिकतर प्रेम से ही शुरू हुई है इनकी, तो कतरा कतरा एहसास इनकी पुस्तक का नाम है। लेकिन जो इन्होंने सबसे अच्छा काम किया वो है रेडियो गूंज की स्थापना, संस्थापक थे ये रेडियो गूंज के। आए दिन वहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं, आप में से मुझे लगता है 99% लोग वहाँ पर जा चुके हैं और अपना कार्यक्रम कर चुके हैं वहाँ पर, तो सभी को पता भी है कि गुरुग्राम में रेडियो गूंज चलता है, कम्युनिटी रेडियो है, वो पुरानी बात हो गई, पुरानी बात हो गई, कहते हैं ना बीत गया कल चलो आज में ही तुम पलो, तो आज तो 6 पुस्तकें उनकी प्रकाशित है, 6 पुस्तक प्रकाशित है, लेकिन 7वीं अभी आ नहीं रही है, बहुत समय हो गया, शायद अब आने वाली है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो आए और अपने आशीर्वचन हमें दे, अपने इस संग्रह के बारे में 2 शब्द कहें, हमें बताएं कि उनको कैसा लगा, क्या उनका अनुभव रहा। स्वागत है सर। जितनी भी यात्राएं वृतांत हैं,
को एक बहाना है स्वयं की तलाश। शिष्य जी ने एक बड़ा मौलिक प्रश्न उठाया है और मैं चाहूंगा कि विशिष्ट जी अगली ऐसी कृति आपके सहयोग से हम निकालें और वो संस्मरण, वो वृतांत इस धरती पर आकर जो जो हमने अनुभव किया है, जो भीतर रह गया है और कहां नहीं जा सकता, उसको कहने का प्रयास करें। साथियों, 111 अलग अलग लोगों ने संस्मरण के काम इसमें दिए हैं और बेहतरीन है अपने अपने ढंग से, लेकिन सच बात है सत्ता जी ने एक स्टेज पर मुझसे भी बात की थी कि मैं भी कुछ एक संस्मरण या वृत्तांत लिखूं। मुझे लगा मनीषी जी इस धरती पर आकर जो मेरी यात्रा रही है, क्या मैं उसको इस पुस्तक का हिस्सा बनाऊं? पता नहीं कौन सा विवेक शायद जो हम और आप इकट्ठे वैश्य कॉलेज में टीच करते रहे, उसने मुझे रोका। यहाँ विषय कुछ और है और आप किसी और जगत की बात है। साथियों, मैंने सुना है कि राजा जनक को इस बात का अचानक बोध जगा कि मुझे इस दुनिया के सार का, जीवन के सार की यात्रा का जो मरण है, अगर कोई मुझे 2 सेकंड में समझा दे तो मैं उसको अपना गुरु मान। कहते हैं कि एक ज्ञानी पुरुष जिसको बचपन से ही पिछले जन्मों का भी ज्ञान था, नाम था अष्टावक्र, 8 अंगों से टेढ़ा था। कहानियां बहुत है उसके बारे में, लेकिन कहा कि एक दिन वो राजमहल में आया और उसने कहा कि मैं आपको जिस तरह घोड़े पर सवार होते समय एक नाल पे आप पांव रखें और उसके बाद दूसरे नाल पे रखें, जितना समय लगेगा उतने में मैं आपको जीवन का सार समझा। मैडम सत्ता जी अपनी अपनी यात्रा और अपना अपना समय है जिसमें कोई भी आदमी जीवन भर की यात्रा के मरण को समझ जाता है। और कोई हमारे जैसा ऐसा भी है जो स्थान स्थान पर पता नहीं कौन कौन से अनुभवों को सहता है, सीखता नहीं है और शब्दों के अभाव में वो नहीं कह पाता जिसको कहने के लिए वो जन्मा। बार जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, मुझे याद पड़ता है सन 1971 में आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। आई डिस्टिंक्टिवली रिमेंबर दैट द सेम रूम वॉज मेंट फॉर डिबेट्स एंड डेक्लेमेशन एंड इन द ईयर 1971 आई गॉट first prize here in this building, in this room, और उसके बाद सब कुछ टिकर करता रहा और हम आगे बढ़ते रहे। अंत में अपनी बातों को समाप्त करते हुए एक रुबाई कहना चाहता हूँ कि तेरे सजदे में सर को नवाऊं तो क्यों ना, तेरे सजदे में सर को नवाऊं तो क्यों ना नवाऊं,
और तेरे सजदे में गीत गाऊं तो क्यों ना गाऊं, तूने भी तो झोलियां भर भर के नवाजा है मुझको, फिर तू ही बता तेरे सजदे में सर को झुकाऊं तो क्यों ना झुकाऊं। और वो भी ऐसे हाथों से कि पूरा ये जो सभागार है वो अपने आप में मंच बना हुआ है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जो यहाँ हमारे सम्मानित अतिथिगण अध्यक्ष महोदय और आयोजक बैठे हैं, तो सामने जब मैं दृष्टि करती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि पूरा भारत और गर्व करने योग्य हमारे साहित्य मित्र और विदेशों से भी, मुझे मालूम है क्योंकि वो संदेश भेजने की प्रक्रिया से और उन्हें आमंत्रित करने की प्रक्रिया तक मैं निरंतर इस परिवार से जुड़ी हूँ, क्योंकि हमारा ये गुरुग्राम का साहित्यिक परिवार ऐसा है जो हम सभी, और फरीदाबाद उससे अलग नहीं है बल्कि हरियाणा परिवार कहना चाहिए मुझे, कि जो एकजुट होकर के काम करता है और उसी का ये सुखद परिणाम है हमारे सामने कि सभी अपने बल कर पूरी आत्मीयता से और पूरे सहयोग और समर्पण को लेकर यहाँ पर बैठे हैं और सविता जी की पुस्तक को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आप सबका, मंच का और सामने बैठे सभी हमारे साहित्य, मेरे लिए आज सभी अध्यक्ष हैं, सभी अति विशिष्ट हैं और सभी मुख्य अतिथि हैं। और ये कहते हुए मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर मुक्ता यहाँ बैठी हैं, चित्रा जी बैठी हैं जो कि सिंगापुर से आई हैं, और सुदर्शन रत्नाकर जी प्रणाम करती हूँ, और माधुरी जी, किस किस के नाम, सरोज दीदी, कृष्णा जैमिनी जी, कृष्णलता यादव जी, और शुभ दीदी, और सभी हमारे, और कमलेश जी जिनसे मैं, जिनका मंच इतना समृद्ध है कि हर रोज प्रतिदिन मैं उनसे कुछ सीखती हूँ, उनके मंच पर पढ़ती हूँ, लिखने का तो साहस मैं कर ही नहीं पाती हूँ। और राजेंद्र निगम राज जी हैं, हरेंद्र यादव जी हैं, शारदा मित्तल जी, प्रीति मिश्रा जी, राजेश्वर बच्ची जी, सबके नाम मैं बोल भी नहीं पाऊंगी, आदरणीय वीना अग्रवाल दीदी जो कि हमारी कमाल लेकर के चलती हैं, हमें मार्गदर्शन देती हैं, और सविता जी भी बहुत कुछ उनसे सीखती रहती हैं, प्रेरणा लेती रहती हैं, और इंदू निगम राज जी, और नलिनी जी, और रंजना मजूमदार जी, सुशीला यादव जी, किस किस के मैं नाम लूँ, डॉक्टर वनिता शर्मा जो कि उन्होंने कहा कि बहुत साहस करके आई है, तो साहस की बात नहीं है, न ये दुस्साहस है न साहस है, आपको बहुत सारे हम दे देंगे जो आपको दिल्ली सकुशल ले जाएंगे, और हमारे सुजीत कुमार जी, दीपशिका श्रीवास्तव जी जिनकी इतनी बड़ी संस्था है, अहम ब्रह्मास्मि बहुत बड़ी संस्था है और एक अलग अनूठी पहचान लेकर के चल रही है, और प्रीति मिश्रा जी और शारदा मित्तल जी, एक बहुत बड़ा एक फलक, आज क्योंकि यात्राओं की बात हो रही है इसलिए बताने का मन हुआ है कि वे क्योंकि उनको लगता है कि छोटी छोटी यात्राएं तो आप कर ही लेते हैं, पर विदेश जाने के लिए किसी अपने का हाथ पकड़ना जरूरी होता है, और इसीलिए अपना हाथ प्रेम से बढ़ाती है, आत्मीयता से बढ़ाती है, संभाल कर, दोनों हाथों से संभाल कर, वो होता है टेंडर विद केयर, उस तरह से लेकर के जाती है, और जब आप आते हैं तो पूरा आपका जो मन का फलक है वो पूरा प्रेम के रंग में रंगा हुआ होता है। और डॉक्टर सरिता चड्ढा दीदी, एक बार कहो बस, और प्रेम को पहचान कर उसको सुन कर वो उपस्थित हो जाती है, तो आप सभी की उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ, बहुत आभार, क्योंकि आप हैं तो ये आयोजन उत्सव बना, आप हैं तो ये पुस्तक बनी और इस पुस्तक का विमोचन हुआ, इस पर चर्चा हुई, और आप सभी इस पुस्तक को पढ़िएगा, इस पर अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया, अपना जो वृतांत, यात्रा वृतांत या संस्मरण जो भी आपने लिखा है उसको पढ़ने के अतिरिक्त आप दूसरों का भी सबका पढ़िए, और सविता जी को बहुत खुशी होगी, उस पर अपनी प्रतिक्रिया आप भेजिए, और सबको इकट्ठा करके ये प्रकाशित करवाने में बड़ी दक्ष है, बहुत शीघ्र उस पर भी किसी पत्रिका में या पुस्तक में मैं प्रकाशित करवा देंगी। और सबसे बड़ा आभार सविता जी का, अर्चना पांडे जी का भी बहुत आभार, उन्होंने कदम कदम पर साथ दिया, लोकेश चौधरी जी, क्योंकि जैसे कि सर ने कहा था कि अपने अपने नाम ले लीजिए, और बबीता जी आपने शानदार संचालन किया, आपका बहुत बहुत आभार,
जिस भी रूप पे सरिता गुप्ता जी, अंजू खरबंदा जी, मैं जिधर देखती रही जो स्पेक्स है ना वो बहुत ज्यादा कमजोर दृष्टि है मेरी, तो मैं दूर तक देख कर पहचान नहीं पाती हूँ प्रमिला जी। तो आप सभी का जिस भी रूप में सहयोग मिला, आपकी उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ।